मुरादाबाद का नगर निगम विभाग भले ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दावा कर रहा हो, मगर शहर में आज भी नगर निगम की लापरवाही सामने देखने को मिलती रहती है। शहर के गलशही थाना क्षेत्र अंतर्गत पाइपलाइन फटने की वजह से क्षेत्रों में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही लोगों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जल बचाव को लेकर काम कर रही है, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही की वजह से जल की बर्बादी होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही के चलते पीने का साफ पानी सप्लाई करने वाली एक पाइप फट जाने के कारण पिछले 24 घंटे से हर घंटे हजारों लाखों लीटर साफ पानी नाले नालियों में बह रहा है, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को अपनी जरूरत के इस्तेमाल के लिए पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। मुरादाबाद में गंगे योजना के तहत सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन सीवर लाइन बिछाने वाला विभाग, जल निगम और नगर निगम मुरादाबाद के अधिकारियों के बीच सही तालमेल न होने के कारण अक्सर मुरादाबाद में पीने का साफ पानी घरों में सप्लाई करने वाली लाइन सीवर लाइन बिछाने के दौरान टूट जाती है, जिसकी वजह से साफ पीने का पानी हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है। आज भी थाना गलशही क्षेत्र में पिछले 24 घंटे पहले टूटी हुई एक पाइप लाइन को नगर निगम के अधिकारियों ने सही नहीं किया है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लीटर पीने का साफ पानी बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों ने खाना पूर्ति के नाम पर दो कर्मचारियों को मौके पर भेजकर सिर्फ मौका मुआयना कराया है, लेकिन इस टूटी पाइपलाइन को सही कराने की जहमत किसी ने नहीं की है। इस पाइपलाइन के टूटने के कारण शहर की घनी आबादी वाले हजारों परिवारों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाया है।